हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं आप, तो आप बचत कैसे करें। देखो, मीडियम फैमिली में क्या होता है, कमाने वाला एक होता है और खाने वाले चार होते हैं वहाँ पर। सो सेविंग करना बहुत बड़ा टास्क होता है मीडियम फैमिली वालों के लिए, और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं, साथ ही सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सो बच्चों की स्टडी हो गई, उनकी शादी वगैरह हो गई, मतलब करना तो पड़ेगा आपको। उसके साथ उनकी इतनी सैलरी नहीं होती है कि सारे लोगों की नीडेड पूरा करके ही वो सेविंग करें। आज की इस वीडियो में आपको 5 से 6 टिप्स दूंगी, जिसे आप फॉलो करके पैसे सेव कर सकते हो, अगर आप मीडियम फैमिली से हो तो। तो दोस्तों, बात करूँ मैं टिप्स नंबर फर्स्ट की, तो अपने खर्च का रिकॉर्ड करें आप, जैसे कि आप क्या लेते हो, दिन में कितनी बार आपने चाय पिया, 3 बार पिया, 30 रुपये आपने नोट डाउन कर लिया, अगर 10 रुपीज पर चाय है तो ठीक है, और कहीं जा रहे हो, आपने कितने का फ्यूल वगैरह यूज किया, कितने का पेट्रोल डलाया, कितने का डीजल डलाया, उसको भी आप नोट डाउन कर लो। साथ ही आप घर में कितने पैसे खर्च करते हो, ग्रासरी कितने की लाते हो, रेंट कितना देते हो, अगर आप रेंट पे रहते हो तो। अगर आपका खुद का घर है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। और उसके साथ साथ आपने मेडिसिन्स में कितना खर्चा किया, इन सब को आपको लिख करके रखना है, अपने खर्चों का आपको रिकॉर्ड रखना है एक, कि मैंने पिछले महीने इतना खर्च किया, उससे पिछले महीने मैंने इतना खर्च किया, अर्ली मेरा इतना खर्च होता है, और अभी इस टाइम पर मैं क्या क्या लाता हूँ, उसमें क्या क्या ज़रूरत है मुझे। सो कुछ इस तरीके से आप अपने खर्च को रिकॉर्ड कर सकते हो। टिप्स नंबर 2 की, तो आपको एक तंग बजट बनाना है। अब तंग बजट कैसे बनाना है, लोगों को बजट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अब बजट बना लिया तो तंग बजट कैसे बनाना है। सो इसके लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हो। आप लोग अपने प्रोडक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट एसेंशियल एंड सेकेंड नॉन एसेंशियल, अनिवार्य और गैर अनिवार्य। आपको ज़रूरत क्या क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक सी नीड होती है जिसके बगैर लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। साथ ही हमारा गैर एसेंशियल्स में आ गया, हमारे मेंबरशिप हो गई, जैसे जिम वगैरह हो गया, या फिर हम किसी क्लब वगैरह को ज्वाइन कर रखे हैं, उसके साथ पर बिग शॉपिंग हो गई, आउटिंग हो गया, टूर वगैरह हो गया, साथ ही अनदर पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी है, हमारा बजट है 5,000 रुपये का, हम खर्च कर रहे हैं 20,000 रुपये, सो ये भी नॉन एसेंशियल्स में आ गया। क्या होता है दोस्तों नॉन एसेंशियल में, कि मैं कितने का प्रोडक्ट ली हूँ इस पर हम नहीं फोकस करते हैं, दूसरे वाला कितने का प्रोडक्ट लिया उसके हम फोकस करते हैं। सो हम शो ऑफ करने के लिए अपने बजट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। सो हमें सबसे पहले तंग बजट बनाना है। आप घर लेना चाहते हो, डाउन पेमेंट के लिए आपको पैसे देने हैं, सो वैसे तो बजटिंग का जो रूल होता है 50-30-20 होता है, 50% ज़रूरी चीज़ों के लिए, साथ ही आपके 30% सेविंग के लिए, और 20% आपके जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए। चाहते हो कि घर का डाउन पेमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा पे करो, सो 20% सेविंग में आप कभी भी घर की पेमेंट नहीं दे पाओगे, इसके लिए आपको चाहिए 40% सेविंग आप करो अपने सैलरी से, तब आप घर के डाउन पेमेंट दे पाओगे। आज हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपने पैसे को। सो फर्स्ट है 30% जो कि हम लगाएंगे घर और खाने की चीज़ों में, घर का जैसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो गया, या फिर रेंट वगैरह हो गया, या हमारे खाने की चीज़ें होंगी उनके ऊपर हम। साथ ही 30% हम लगाएंगे जीवन शैली में उपयोग करने के लिए, हमारी डेली नीडेड, साथ ही हमें कैसे रहना है, रहन सहन के ऊपर। उसके बाद हम 20% लगाएंगे सेविंग में, जिसको हमें हाथ भी नहीं लगाना है। साथ ही 20% हम डिवाइड करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, या फिर हम किसी ने किसी से कर्ज लिया है, किसी से उधार लिया है हमने, या फिर कुछ हमारी EMI जाती है, उसके लिए हम 20% निकाल करके रखेंगे। सो दोस्तों, हम 100% को 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे, 30-30 and 20-20। सो इससे आप बहुत सारे पैसे सेव कर लोगे, और आप कोशिश करो कि आप 40% सेविंग में रखो ही रखो। इससे क्या होगा कि आप कुछ लेने जाओगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, कि आप 20% सेविंग करके बचत करोगे तो आपको बहुत साल लग जाएंगे पैसे सेव करके, साथ ही घर या फिर कार वगैरह लेने के लिए। तो बात करूँ मैं टिप्स नंबर 3 की, तो कम खर्च करो ज़्यादा बचाओ। इस टिप्स को हमें फॉलो करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें कुछ भी लेने से पहले 10 बार सोचना है कि हम क्या लेने जा रहे हैं, सच में उस प्रोडक्ट की हमें नीडेड है या फिर नहीं। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, जैसे अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम कपड़े लेने जा रहे हैं अपने लिए, हमें नीडेड है 1 या 2 सूट की, कि विंटर आ गया है हमारे पास नहीं है, या फिर जो हमारे पास कपड़े हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, उनको हम डेली यूज में निकाल लेंगे, साथ ही आने जाने के लिए हम 2 कपड़े नए ले लेते हैं। एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टेक्ट हो जाएंगे मेरी बातों से। सो जब आप लेने जा रहे हो कपड़ों को, तो आपको देखना है कि यार सच में पुराने हो गए हैं क्या, इस टाइम पर हमें कहीं आना जाना है,
किसी की बिडिंग पड़ रही है, कहीं आउटिंग पे जाना है हमें, अगर नहीं तो मैं क्यों पैसे वेस्ट करूं, जब हमें जाना होगा तब का हम ले लेंगे। ऐसे करते करते अगर आप नहीं जा रहे हो, का प्लान कैंसिल हो रहा है, तो आपके कपड़े वाले बहुत सारे पैसे सेफ हो जाएंगे। दोस्तों एक टिप्स मैं आपको पर्सनल दूँ, आप कुछ भी लेने जा रहे हो सबसे पहले लिस्ट बनाओ आप। मेरा पहले क्या था, मैं चाहे ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाऊँ या फिर कुछ भी, वैसे गए हम जो जो लेना था वो तो याद ही नहीं रहता है, कुछ और उठा करके लेकर चले आते थे, बहुत सारे पैसे इसमें हमारे खर्च हो जाते थे। फिर हमने स्टार्ट किया लिस्टिंग करना कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या हमें नीडेड है। फिर पहले हम एक एक किलो लाते थे या फिर बहुत सारा सामान उठा लाया, जैसे अगर हमें दाल लेनी है तो हमने एक किलो दो किलो इकट्ठे ले लिया, बार बार ना जाना पड़े। सो हम एक दाल तो डेली खा नहीं सकते हैं, सो हमें चेंज करना पड़ता है, और चार पांच दालें होती हैं घरों में। सो जैसे ही हम एक दो किलो लेकर के आ गए, तीन चार महीने वो रखे ही रखे हैं, सो उनमें कीड़े लग जाते थे और वो वेस्ट हो जाते थे। सो हमने क्वांटिटी के हिसाब से लिस्टिंग करना स्टार्ट किया, जैसे कि मेरे परिवार में दो लोग हैं, सो मैं आधी किलो दाल लूँगी, पर जैसे आधी किलो चने की, आधी किलो काली, साथ ही राजमा, छोला, मतलब जितने सारे एक्स्ट्रा दालें होती हैं उन सबको मैं हाफ हाफ के जी करूँगी। साथ ही आप सब्ज़ी भी बनाओगे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट आपका कुछ अदर हो जाता है, साथ ही दोपहर में आपका लंच डिनर, मतलब इस हिसाब से मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, लिस्टिंग करना शुरू कर दिया मैंने। और आप यकीनन करो, मतलब ट्रस्ट करो आप मेरे ऊपर, कि बहुत सारे पैसे मेरे सेव होने लगे, साथ ही खर्च नहीं होते थे उतने, और बार बार हमें जाना नहीं पड़ता था कि यार ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। अगर थोड़ा सा है कि दो दिन तीन दिन या दस दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगा, सो मैं वो प्रोडक्ट तुरंत लेकर के आती हूँ, जब मैं लिस्ट बनाती हूँ तब उसी में ऐड कर लेती हूँ डायरेक्ट, ताकि मुझे एकदम मंथ मिड में नहीं जाना पड़े, जिससे कि हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं वो बच जाते थे, साथ ही हमारा तेल वगैरह का पैसा बच जाता था, उसके साथ साथ जैसे हम गए कुछ लेने और लेकर के कुछ और आते थे, सो वो भी हमारा खर्च बच जाता था। सो कुछ इस तरीके से आप भी लिस्टिंग कर सकते हो और कम खर्च ज़्यादा बचाव वाले टिप्स को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 4 की, तो आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। पहले क्या होता था, लोग पैसे सेव तो करते थे बट उन्हें बांध करके, पैक करके या फिर इधर उधर करके रख देते थे, और जब वो पैसे को देखते थे कि यार हमारे पास काफ़ी इनफ पैसा हो गया, अब मैं क्यों बचाऊँ या फिर इतने पैसे में तो हम ले लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उन पैसों को खर्च कर देते थे, या फिर कहीं ना कहीं हमारा माइंड ये सोचना शुरू कर देता था कि अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो गए, हम सेव क्यों करें इनको, या फिर अपने ज़रूरती सामानों में हम कटौती क्यों करें। सो जब आप उन पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते, तो आपके पैसे तो जो इन्वेस्ट हो जाते हैं उनका एक लिमिट होता है कि 5 साल 10 साल में आप इसे निकाल सकते हो। सो आप टेंशन में रहते हो कि अगर यार पहले ले लिया उन पैसों को तो हमारा जो ब्याज है वो नहीं मिलेगा, साथ ही हमने जो सेव किया है उसमें से थोड़ा कट सकता है पेनाल्टी के तौर पे। सो इसके लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, इससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, माँ बाप के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए, घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, या फिर कोई बिजनेस करने के लिए आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। उसके साथ आपके पास बहुत सारे पैसे रहेंगे, जब आप अंदर से स्ट्रांग रहते हो, तो आर्थिक तरीके से मजबूत रहते हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, तो आपका सारा काम अच्छा अच्छा होता जाता है। तो बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की, तो आपको एक टारगेट रखना है, अपना एक वित्तीय लक्ष्य बनाना है, साथ ही एक बिग ड्रीम करना है जिसको पूरा करने के लिए आपको जी जान लगा देना है कि मुझे ये लेना है या फिर ये करना है या फिर इतने एंड तक, साथ ही 2021 के एंड तक या फिर 2022 के एंड तक इतने पैसे मुझे इकट्ठे करने हैं, या फिर आने वाले पाँच सालों में मेरा खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, वही टारगेट रख करके आपको पैसे सेव करने हैं, अपने जो चीज़ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा उसके बगैर आपकी लाइफ नहीं चल रही, वही पे आप खर्च करो पैसों को, बाकी आप सारे खर्च अपने बंद कर दो। आप ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, आप बहुत सारे पैसे बचा लोगे। दोस्तों कुछ इस तरीके से ही मेरी आज की वीडियो मीडियम फैमिली वाले पैसे कैसे बचाएं, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को मेरी लाइक करना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप न्यू हो तो उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जा करके क्लिक करना, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूँ टाइम टाइम उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और दोस्तों आप लोगों से कनेक्ट हुए रहूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।